नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पारितोष त्रिवेदी आप सभी का इस वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में डेंगू रोग में किस तरह का विशेष आहार लेना चाहिए इसकी अधिक जानकारी लेंगे। हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष भारत में डेंगू का फैलाव अधिक हो रहा है। किसी भी रोग में पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सा करते समय जितना महत्व दवा का होता है, उतना ही महत्व उस व्यक्ति को दिए जाने वाले आहार का भी होता है। डेंगू जैसे रोग में जिसमें चिकित्सा करने के लिए कोई विशेष दवा या वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है, आहार का महत्व और भी बढ़ जाता है। डेंगू रोग से जल्द ठीक होने के लिए पीड़ित व्यक्ति ने अपने आहार में किस विशेष आहार पदार्थों का समावेश करना चाहिए, इसकी अधिक जानकारी इस वीडियो में आगे दी गई है। नारियल का पानी या कोकोनट वाटर। डेंगू रोग में प्लेटलेट काउंट कम हो जाने के कारण आंतरिक पानी की कमी या डिहाइड्रेशन होना सबसे बड़ी समस्या होती है। शरीर में पानी की कमी को दूर करने के लिए रोगी व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ यानी फ्लूइड्स देना अति आवश्यक हो जाता है। नारियल का पानी स्वादिष्ट और सुपाच्य होने के साथ साथ इसमें शरीर के लिए जरूरी मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। रोगी व्यक्ति को रोजाना एक नारियल पानी देने से रोगी व्यक्ति को पोषण और ऊर्जा दोनों प्राप्त होते हैं। नारंगी या ऑरेंज जूस। डेंगू के रोगियों के लिए नारंगी यह एक बेहद उपयोगी फल है। इसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। इसका जूस पीने से रोग प्रतिकार शक्ति यानी इम्यूनिटी में इजाफा होता है। पपीता। डेंगू रोग से पीड़ित अनेक व्यक्तियों में पपीता का उपयोग करने से लाभ होते हुए देखा गया है। पपीते के सेवन से प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ती है। रोगी व्यक्तियों को पपीते के ताजे और स्वच्छ पत्तियां पीसकर उसका रस दिन में दो बार देने से प्लेटलेट की मात्रा बढ़ सकती है। दलिया। डेंगू रोग में रोगी की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। ऐसे में रोगी को ऐसा आहार देना जरूरी है जो कि स्वादिष्ट हो, पौष्टिक हो और आसानी से पच सके। दलिया खाने में स्वादिष्ट होता है और इसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। दलिया में फाइबर अधिक होने से कब्ज की समस्या नहीं होती है और इसका पाचन आसानी से हो सकता है। हर्बल टी। डेंगू रोग से पीड़ित व्यक्ति को साधारण चाय या कॉफी नहीं देना चाहिए। इसकी जगह पर इलायची, पुदीना या अदरक वाली हर्बल चाय पिलाना चाहिए जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से युक्त होती है। यह चाय पीने से बुखार कम आता है और रोग प्रतिकार शक्ति भी बढ़ती है। प्रोटीन्स। डेंगू में रोगी को बेहद ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। डेंगू से ठीक हो जाने के बाद भी यह कमजोरी 10 से 15 दिनों तक बनी रहती है। डेंगू बुखार से आने वाली कमजोरी को दूर करने के लिए रोगी व्यक्ति को प्रोटीन युक्त आहार अवश्य देना चाहिए। पानी। डेंगू रोग में रोगी व्यक्ति के गंभीर होने का सबसे मुख्य कारण पानी की कमी या डिहाइड्रेशन होता है। पीड़ित व्यक्ति ने रोजाना कम से कम 8 ग्लास पानी अवश्य पीना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से रोगी व्यक्ति को जल्द स्वास्थ्य लाभ होता है और कमजोरी भी नहीं होती है। फलों का रस। डेंगू के रोगी को रोजाना सुबह शाम एक फल खाने के लिए अवश्य देना चाहिए। अगर रोगी व्यक्ति फल खाने में सक्षम नहीं है तो आप उन्हें ताजे फलों का रस या जूस भी दे सकते हैं। फलों के रस में प्रचुर मात्रा में विटामिन्स होते हैं। फलों का रस पीने से शरीर में रोग से लड़ने वाले लिम्फोसाइट्स के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है जिससे रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। सब्जियों का रस। डेंगू के वायरस से लड़ने के लिए रोगी को आवश्यक पोषक तत्व मिलना जरूरी होता है। ऐसे में रोगी ने पोषक सब्जियां अवश्य खाना चाहिए। अगर रोगी हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं पचा पा रहा है तो आप उन्हें सब्जियों का ताजा रस निकालकर पीने के लिए दे सकते हैं। गाजर, खीरा, पालक, गोभी और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां के रस में शरीर के लिए जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर होते हैं जो कि शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए आवश्यक है। दूध। डेंगू के रोगी को सुबह शाम एक ग्लास दूध अवश्य देना चाहिए। आप चाहे तो रोगी व्यक्ति के पसंद अनुसार दूध में प्रोटीन पाउडर भी मिलाकर दे सकते हैं। प्लेटलेट्स की कमी और दवा के कारण डेंगू से पीड़ित व्यक्तियों में
एसिडिटी और गैस की समस्या अधिक होती है। दूध पीने से एसिडिटी कम होती है और शरीर को ऊर्जा भी प्राप्त होती है। डेंगू रोग में रोगी के लीवर पर सूजन आ जाती है और भूख कम हो जाती है। ऐसे में रोगी को अधिक तला हुआ और मसालेदार खाना नहीं देना चाहिए। दिन में 2 बड़े आहार देने की जगह हर 2-3 घंटे से थोड़ा थोड़ा आहार देना चाहिए। अगर रोगी व्यक्ति को अधिक थकान महसूस होती है या बार बार उल्टी होती है तो डॉक्टर को दिखाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे अपने मित्र परिवार के साथ जरूर शेयर करें। स्वास्थ्य से जुड़े अन्य उपयोगी लेख हिंदी में पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirogikaya.com पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।